हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास सिक्स मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, ये यहाँ पे कुछ फिगर्स दी गई हैं। आप देख पा रहे हैं ये वाली फिगर बनी हुई है, ये वाली है, ये सारी क्या है, ये अलग अलग फिगर्स बनी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितनी भी फिगर्स हैं ये क्लोज्ड फॉर्म में हैं, ठीक है ना, क्लोज हैं ये, क्लियर क्लोज फिगर हैं, कहीं से भी ओपन फिगर ये नहीं हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम पॉलीगन कहते हैं। सो पॉलीगन की हम प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। अ पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ थ्री और मोर लाइन सेगमेंट। तो पॉलीगन जो है वो थ्री और मोर लाइन सेगमेंट्स आपस में जुड़ी हुई क्लोज फिगर होती है। अ सर्कल और एनी शेप दैट हैज़ अ कर्व इज नॉट अ पॉलीगन। एक सर्कल या कोई भी शेप जिसके अंदर ऐसे जो है कर्व हो वो क्या होगी, वो जो है पॉलीगन नहीं होती। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल समझें ट्राइंगल, तो ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल में थ्री जो है लाइन सेगमेंट हैं, तो तीन या तीन से ज़्यादा लाइन सेगमेंट आपस में जुड़ के क्या बनेगी, वो पॉलीगन बनता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ये एक पॉलीगन है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके अंदर तीनों ही जो इसकी साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। नेक्स्ट है आइसोसेल ट्राइंगल, आइसोसेल्स में क्या होगा, इसके अंदर दो जो आर्म है इसकी वो इक्वल रहेंगी। नेक्स्ट है स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल होगा जिसके अंदर आपकी तीनों जो आर्म्स हैं वो आपकी डिफरेंट रहेंगी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये आइसोसेल्स है और ये स्केलन ट्राइंगल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, इसमें देखिए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अगर हम देखें तो स्क्वेयर जो है वो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल ये पैरेललोग्राम है और रोम्बस जो है ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अंदर जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, आर्म्स होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, क्या रहेंगी, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल वो रहती हैं, ठीक है। तो ये जो है स्क्वेयर पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है और रोम्बस जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। उसके बाद देखिए ट्रेपेज़ॉइड्स, ट्रेपेज़ॉइड्स में क्या होता है, उसके अंदर आमने सामने की दो जो आर्म होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक पेयर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं, लेकिन ये क्या है, एक पेयर पैरेलल होने से ये क्या बन गया, ये ट्रेपेज़ॉइड्स बन गया। और ये क्या है, ये जो है आइसोसेल्स हैं, तो इसके अंदर भी ये तो देखो कहीं ना कहीं मिल जाएंगी लेकिन ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रेपेज़ॉइड्स है। हम दूसरी शेप्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, जिसके अंदर सिक्स आर्म्स होंगी वो हेक्सागन, फाइव आर्म्स होंगी वो पेंटागन है, एट आर्म्स जिसके अंदर हैं वो ऑक्टागन है, ठीक है, वो क्या रहेगा, ऑक्टागन रहेगा। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पॉलीगॉन्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में ये कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स रहेंगे पॉलीगॉन्स इन रियल लाइफ। देखिए रोड सेफ्टी सिग्नल्स हैं, रोड सेफ्टी सिग्नल्स में आपने ऐसे सिग्नल्स जो है वो ज़रूर जो है रोड पे देखे होंगे, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है क्या है, ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है, ये सारे क्या है, पॉलीगॉन है। उसके अलावा चेस जो है, चेस ये भी क्या है, एक पॉलीगॉन है। तीन या तीन से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होने चाहिए। ये ब्लैक बोर्ड क्या है, ये भी एक पॉलीगॉन है। उसके बाद अगर हम नॉन पॉलीगॉन की बात करें, यानी जिसके अंदर तीन या तीन से ज़्यादा लाइन सेगमेंट जो है वो नहीं है, तो इसमें बिस्किट ये इस तरह से उछाएगा तो ये नॉन पॉलीगॉन है। ये जो शेप्स हैं ओपन है और इसके अंदर देखिए ये कर्व है, तो ये भी क्या है, नॉन पॉलीगॉन है, क्लियर। कैप कैसी है, नॉन पॉलीगॉन है। ये जो है कोन जो है ये कैसा है, ये आइसक्रीम कोन, ये भी नॉन पॉलीगॉन है। उसके बाद अगर हम बात करें रेगुलर पॉलीगॉन की, रेगुलर पॉलीगॉन कौन से होते हैं, जिनके अंदर इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स होते हैं, उनको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। अ पॉलीगॉन हैविंग इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड द रेगुलर पॉलीगॉन। जिसके अंदर इक्वल साइड्स होती हैं और इक्वल एंगल्स होते हैं, उनको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं।
अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ थ्री पार्ट्स। एक रेगुलर पॉलीगन में तीन पार्ट्स होते हैं, साइड्स, वर्टिसेस एंड एंगल्स। ठीक है, उसके अंदर देखिए तीन पार्ट्स में, इसके अंदर जो साइड्स होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इसके जो एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं, सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। एंगल भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटीरियर एंगल, एक होता है इंटीरियर एंगल। अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो देखिए जैसे ये पॉलीगन है, इसमें अगर हम ये आगे बढ़ाते हैं तो ये जो एंगल आया बाहर की तरफ, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। और ये अंदर वाले सारे एंगल कौन से हैं, ये अंदर वाले सारे जो है इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एंगल क्या होंगे, ये सारे एंगल आपके इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, तो ये एंगल हमारे इंटीरियर हैं और ये एंगल बाहर के हमारे एंगल क्या रहेंगे, बाहर के एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब अगर हम रेगुलर पॉलीगन के में जो है बात करें तो ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीन साइड इक्वल साइड्स हैं और हर एक एंगल 60 डिग्री का रहेगा। ये आपका स्क्वायर रहेगा, इक्वल साइड्स 4 रहेंगी, ईच एंगल 90 डिग्री। ये पेंटागॉन है, इक्वल साइड्स 5 रहेंगी और ईच एंगल 108 डिग्री का रहेगा। ये हेक्सागन है जिसमें इक्वल साइड्स 6 रहेंगी और ईच एंगल 120 डिग्री का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको लर्न भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज अब आपको दी गई है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है ड्रॉ ए रेगुलर हेक्सागन, आपको एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करना है। तो ये आपका जो है क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है, ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है। सबकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। By joining any three vertices of it, make a triangle. आपको कोई भी तीन vertices जो है इसके join करके, आप इसका नाम दे लीजिए A, B, C, D, E, F. अब आपको तीन, कोई भी तीन vertices आपको इसके join करने हैं, एक triangle बनानी है और आपको बताना है कौन सी triangle बनेगी। तो अगर आप कोई भी तीन join करते हो, देखिए मैंने B, F, C join किया तो ये क्या बन गई, ये एक ट्राइंगल बन गई और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखिए ये बिल्कुल 90 डिग्री का कोण जो है बिल्कुल सीधा होगा, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। इसी तरह अगर आप इसी में एक और बनाना चाहें तो देखिए आप ऐसे भी बना सकते हो, बी ई और एफ, सी और ई को मैंने इस तरह से तीन को जो है हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, कर अलग से देखेंगे। ये देखिए अब भी ये क्या बन गई, ये एक फिर से राइट एंगल बन गई। ठीक है, तो आप इसके आंसर में लिख देंगे। अगर मैं एग्जांपल लूँ ट्राइंगल बी एफ, ठीक है ट्राइंगल बी एफ सी, तो ये जो है क्या है, यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं, जस्ट ए मिनट बच्चों, इसको हम नाम देते हैं सी बी एफ ट्राइंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम लिख देंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो जाएगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सी ट्राइंगल बनेगी, ये बनेगी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, सर्कल द पॉलीगन इन द फॉलोइंग फिगर। जो भी पॉलीगन है उसमें आपको सर्कल करना है। तो ये जो है पॉलीगन नहीं है, हमने अभी पॉलीगन की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, तीन या तीन से ज़्यादा जो है उसमें लाइन सेगमेंट होना चाहिए और क्लोज्ड जो है फिगर होनी चाहिए। तो ये भी नहीं है, ये जो है आपका हो जाएगा पॉलीगन, ये भी नहीं है, कर्व है, इसमें भी कर्व है, इसमें भी कर्व है, इसमें भी कर्व है और ये हो जाएगा। तो ये जो टू फिगर हैं ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी पॉलीगन हो जाएंगी। क्लियर है, तो आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है पॉलीगन का। ठीक है, पॉलीगन का मतलब क्या है, जिसके अंदर थ्री या थ्री से ज़्यादा लाइन सेगमेंट हो और क्लोज फिगर होगी तो वो जो है आपका पॉलीगन बन जाएगा। क्लियर, और जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उनके अंदर साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल जो है वो इक्वल रहेगा सबका। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।